मॉर्निंग क्लास, आज का आपका टॉपिक है श्रेणी क्रम में वैद्युत सेलों का संयोजन कैसे करते हैं आप लोग। देखिए, श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक ही तार में जब एक सेल दूसरे सेल के साथ में इस तरह से जुड़े कि एक का माइनस दूसरे के प्लस से जुड़ा हो, तो उस क्रम को हम क्या कहेंगे? श्रेणी क्रम कहेंगे। अब देखिए, सेल अगर है तो उसका विद्युत वाहक बल ई भी होगा और उसका आर भी होगा। सपोज पहले वाले सेल का विद्युत वाहक बल ई वन और इसका आंतरिक प्रतिरोध आर वन है, दूसरे वाले का E2 आंतरिक प्रतिरोध R2 तथा तीसरे वाले का कितना है E3 और R3 है। ये इसका लगा है परिपथ का बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। अब देखो क्या करते हैं, ये आपके बिंदु A से लेके D तक, ये तो पूरा एक परिपथ है, A से लेके D तक एक पूरी ब्रांच है जिसके अंदर A से B, B से C, C से D पॉइंट आए हुए हैं। ओके, तो देखिए पूरी ब्रांच के अंदर जो वोल्टेज होगा यानी विभवांतर होगा वो ए बी का विभवांतर प्लस बी सी का प्लस सी डी का, राइट। ए बी का विभवांतर कितना होगा? ई वन में से विद्युत वाहक बल में से आप आर वन, ये आई आर वन यानी आंतरिक प्रतिरोध की वजह से जो वोल्टेज यहाँ पे है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? वी ए बी निकल के आएगा। इसी तरह से वी बी सी निकालेंगे, वी सी डी निकालेंगे, तीनों का मान रख देंगे। अब देखो E1, E2, E3 इनको आपने अलग कर दिया, माइनस आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इनको अलग कर दिया, आई कॉमन ले लेंगे तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री हो जाएगा। देखो इसमें आपका जो पूरी ब्रांच का जो विभवांतर होता है वो तुल्य में से आई आर तुल्य आप माइनस कर देंगे, तो इससे इसको तुलना करेंगे तो यहाँ से आपको पता चलेगा E तुल्य कितना आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, और R तुल्य करने पर कितना आएगा, उनको सबको ऐड कर देंगे यानी R1, R2, R3। अब देखो अगर एक ही प्रतिरोध के और एक ही विद्युत वाहक बल के n सेल जुड़े हों तब क्या करेंगे? तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा n e और विद्युत वाहक बल e तुल्य कितना हो जाएगा n e और तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा n r। आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। तुल्य धारा का फॉर्मूला क्या आएगा? तुल्य विद्युत वाहक बल अपॉन जो भी प्रतिरोध पूरा आ रहा है, तो इसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल यानी आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध पूरा आ जाएगा। तो ये मेन फॉर्मूला आपका निकल के आता है। अब देखो ये कंडीशन, अगर एन आर का मान आर से ज़्यादा हो यानी आर बहुत छोटा है तब आप आर को छोड़ देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला ई अपॉन आर आएगा। अगर आर का मान ज़्यादा हो, एन आर बिल्कुल माइनर हो, छोटा हो, तो इसको छोड़ देंगे एन आर को, तो एन ई अपॉन आर आएगा, राइट।